अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन को खुश आमदीद हमारे सीरा के अगले सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ साथ अपने घर पे सीरा को पढ़ भी रहे होंगे और इसमें से इम्पोर्टेंट चीजें जरूर नोट डाउन कर रहे होंगे, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगले सेशन में साथ आप लोग भी हैंड रेज करके अपनी इनपुट दें, सवाल पूछ सकते हैं, अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और इसको एक भरपूर अंदाज में अपनी होने का हमें एहसास दिलाइए। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछला सेशन हमने खत्म किया था हिजरत मदीना के इब्तदाई हिस्से पे, उसी से आगे इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। और यहाँ पे जरा रुक के एक नजर अगर हम पीछे देखें तो हमें एक जायजा लेने पे मालूम ये पड़ता है कि जो 13 साल मक्की दौर था वो इंतहाई सख्ती का दौर था मुसलमानों पे, बहुत मुश्किल हालात थे जिन हालात का मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, कहीं पे भी उनके पैर लड़खड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं, और बहुत ईमान की पुख्तगी के साथ उन्होंने हर तरह के हालात को सहते हुए दीन को फैलाने का काम जारी रखा। फिर अल्लाह ताला ने मदीना के लोगों के दिल को नर्म किया, जिन्होंने आके खुद दरख्वास्त की कि हम आपको यूं अकेला नहीं छोड़ सकते, हम तो सुकून से अपने घरों में बैठे हों और हमारे मुसलमान भाई इस तरह मजालिम की चक्की में पिस रहे हों ये हमसे देखा नहीं जाता, लिहाजा आप हमारे साथ चलिए। और इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके अहदो पैमान हुए और उन्होंने पक्के ये वादे किए कि हम जिस तरह अपनी औलाद की हिफाजत करते हैं उस तरह अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत करेंगे, क्योंकि जानते थे कि मुसलमानों से को यहाँ से ले जाने का मकसद का मतलब ये है कि गोया पूरे अरब की दुश्मनी मोल लेनी पड़े। तो अपेरेंटली हमको नजर ये आता है कि जाहिर है वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो गई है, तो अब कम से कम सुख का सांस लेंगे और जाके शायद रावी चैन ही चैन लिखेगा, तो ऐसा नहीं है। गो के मुसलमानों को एक महफूज घर मिल गया और बहुत सी चीजों में उनके लिए आसानियां भी हुई, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मुश्किलों की नौइयत बदल गई। ऐसा नहीं था कि अब एकदम से नया घर मिलने के बाद उनकी तमाम मुश्किलें ही दूर हो गई हों, बल्कि अगर हम मदनी जिंदगी को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करें तो हमें तीन बड़े दौर नजर आएंगे। इसको आप जरूर आगे चल के अभी साथ साथ नोट कीजिएगा और यकीनन आप इसमें खुद भी चीजें पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे तो नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि जब मदीना आने के बाद अब कुछ चैलेंजेस डिफरेंट हो गए। मक्का में ये था कि सिर्फ मानने वाले और ना मानने वाले दो तरह के लोग थे, जबकि मदीना में आके अंदरूनी दुश्मन बैरूनी दुश्मन दोनों तरह का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मानने और ना मानने वालों के दरमियान हमें एक तीसरा ग्रोह भी नजर आएगा जो बजाहिर आपके साथ आके मिल जाने वाले लोग होते हैं लेकिन दर पर्दा जड़ें काटने वाले, जिनको हम मुनाफिकीन कहते हैं। तो बहुत फितने, बहुत इस्तराब, बहुत मुश्किलात, जंगें और झड़पें, बहुत कुछ नजर आता है, बहुत ऐश शिकनियां, बहुत वादा शिकनियां, और बहुत यहाँ पे अब खुल खुला के हमें लड़ाइयां नजर आएंगी इंशाल्लाह आगे चल के जब हम सीरा को स्टडी करेंगे। तो ये एक बहुत ही पुरफितन दौर, एक फर्क तरीके का रहा, और तकरीबन 6 साल इसी तरह गुजरे। 6 साल के बाद जाके दूसरा मरहला शुरू होता है जिसमें सुलह हुदैबिया होती है और अगले 3 साल के लिए जंग बंदी का मुआहदा किया जाता है, जिसके बाद 2 साल के लिए सुकून आता है और जंग वगैरह रुक जाती है और मुसलमानों को तसल्ली से दीन को फैलाने का, तबलीग का मौका मिलता है। और फिर उसके बाद फिर ऐन शिकनी के नतीजे में फिर फतह मक्का हो जाती है। मक्का फतह होने के बाद यानी ये 2 साल का एक वो जो मुआहदे में रहते हुए मुसलमानों ने अमन का अरसा गुजारा मदीना में, वो सेकंड मरहला है मदनी जिंदगी का। उसके बाद फिर हम तीसरा मरहला देखेंगे कि जब मक्का फतह हो जाता है और फिर उसके बाद इस्लाम सिर्फ ये अरब के इस इलाके तक नहीं रहता बल्कि दूर दूर तक दूसरे इलाकों तक भी फैलना शुरू हो जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है हमारे आने वाले सीरा के चैप्टर्स का और आने वाली मक्की मदनी जिंदगी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब इंशाल्लाह हम इसको तफसील के साथ देखेंगे और यहाँ से मैं दावत दूंगी सहरिश को कि वो आए और आके हिजरत के आगे के वाक्यात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, वालेकुम ओवर टू यू। सलाम।
मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड की तरफ जाके देन आगे को आना चाहूंगी, क्योंकि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में पहली चीज आ रही है फर्स्ट जुम्मा, यानी कि इस्लाम का पहला जुम्मा, और मदीने में एंट्रेंस। अब हमने ये लास्ट उसमें डिस्कस कर लिया था कि मस्जिद कुबा की तामीर हो गई है, वहां से फिर से सवारी चल पड़ी है, वो आगे को आ रहे हैं। वहां भी हम जानते थे कि शौक का ये आलम था कि रोज आ आ के लोग जमा हो रहे थे उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए कि कब अल्लाह के रसूल आते हैं और हम आगे उनको उनका इस्तकबाल करते हैं। और फिर क्योंकि हम सबको पता है कि वो रास्ता इतना बड़ा था, क्योंकि पीछे की तरफ जाके फिर आगे की तरफ का सफर किया गया था और अलग तरीके से अलग रास्ते से सफर किया गया था, तो इतना बड़ा रास्ता होने के बाद जो है वो लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू आते रहे, फिर मदीना पहुंच रहे हैं। वहां पे अल्लाह के रसूल के एक सहाबी जो हैं वो मदीने में रह गए थे, मक्का में रह गए थे, हजरत अली, वो इनसे आके मिलते हैं और वो आगे की तरफ सफर करते हैं। जब वो सफर करते हैं आगे, तो फिर एक जगह पे पहला जुम्मा यानी पहले जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, और वहां पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला जुम्मा जो है वो उसका खुतबा देते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे तमाम टीएल्स उस खुतबे को खुद बजात पढ़ें, और खुतबे को खुद बजात पढ़ने के बाद देखें कि उसमें बहुत सी चीजों पे गौर और फिक्र किया गया है। मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जाऊंगी, क्योंकि सारी डिटेल्स यहाँ पे बताती जाए तो स्टडी थोड़ी सी वो हो जाती है। तो सबसे पहली चीज वही अल्लाह की वैधानियत का जिक्र। जब अल्लाह के रसूल ने खुतबा देना शुरू किया, तो फिर अल्लाह के नाम से शुरू करने के बाद उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का, उसके मुकम्मल होने का, उसके कामिल होने का जिक्र किया। मुसलमान फिर अताअत की तरफ मुसलमानों को लाया गया, फरमाबरदारी और अताअत, यानी अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी, उसकी अताअत, अल्लाह की अताअत, अल्लाह के हुकूक को पूरा करना, और सबसे अहम चीज जिसके बारे में बात की गई वो थी तकवा, यानी कि अब स्टेटस को चेंज कर दिया है, खानदानी स्टेटस को हटा दिया गया। अब जितनी भी बढ़तरी है वो तकवे की बुनियाद पर है। तो यहाँ पे जो है वो तकवे को इस पूरे खुतबे में, जो कि एक बहुत बड़ा खुतबा है, उस पूरे खुतबे में तकवे को सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल बताया गया है, अल्लाह से नजदीकी तकवे की बुनियाद पर, अल्लाह से बढ़तरी, अल्लाह के सामने बढ़तरी तकवे की बुनियाद पर। तकवा कैसे आ रहा है? जब आप अताअत और फरमाबरदारी कर रहे हैं, यानी कि सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी से जोड़कर, और मुसलमानों की तहारत का जो एक वो पूरा एक मुकम्मल एक वो रख दिया गया, वो तकवे की उस पर रख दिया गया। अब जब हम उससे आगे बढ़ते हैं, तो अब वहां से सफर आगे शुरू किया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये काफला वहां पहुंचता है जहाँ पे उसका इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा है। अभी मैं नाम जो है वो यसरब ही लूंगी, हालांकि अब उसका नाम बदलने वाला है। यसरब यानी उसे अलम या दुखों की सरजमीन कहा जाता था। लोग वहां बीमार हो जाया करते थे, वहां की फजा ऐसी थी जिसमें बीमारियां और वबा मौजूद थी और लोग बीमार हो जाते थे, इसलिए से गमों की सरजमीन कहा जाता था। दो से तीन रिवायत आती हैं, उसमें एक ही रिवायत सबसे ज्यादा मानी जाती है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह यसरब की सरजमीन को इस वबा से पाक फरमा दे, तो इस यसरब की सरजमीन को जो है वो यहाँ से पाक फरमाया गया। और अभी वहां पे आलम ऐसा है कि लोग इश्तियाक में जोग दर जोग जमा हो रहे हैं, काफले के काफले जमा है। याद रखिएगा कि जब पहला जुम्मा पढ़ा गया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद आगे को अपने यानी अपने ननिहाल, जो कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब का भी ननिहाल समझा जाता है, वहां पे जो है जब भेजा था पैगाम, बनो नजार नाम है उसका, तो बनो नजार के लोग उन्हें जो है वो हथियारों के साथ लेने चले आए कि आप उनको लेके आगे सफर कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो मुझे ये बता सके कि हथियारों के साथ उन्हें लेके क्यों जाया जा रहा था? वो इस तरह क्यों है? क्या कोई टीएल आंसर कर सकता है कि हथियारों के साथ ही इस पूरे इस तरीके से क्यों इतने उसमें उन्हें लेके जाया जा रहा था?
ठीक है, मैं इसको आंसर करके आगे चलती हूँ। असल में था ये कि बैत अकबा याद होगी सबको। अब बैत अकबा के मौके पे ये वादा था कि अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिफाजत है वो मदीना वालों को करनी है। तो अब इस वादे की बुनियाद पे कुबा में भी और उससे आगे पीछे भी जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं से लेके जाया गया वहां पे लोग मुकम्मल तौर पे रेडी थे कि कुछ भी हो सकता है, हम मुकम्मल तौर पे रेडी रहते हैं। तो हथियारों के साथ बनो नजार के कबीले वाले आए और उन्हें आगे को लेके जाते हैं। और अब वहां पे इतना खूबसूरत माहौल है, बच्चियां दब बजा रही हैं, लोग खुशी से उमड़ उमड़ के आ रहे हैं और हम एक बड़ी मशहूर नात सुनते हैं, तलाल बदरू अलैना। तो उसी के देखें चांद निकलता जा रहा है, तो ये उसी वक्त गाया जा रहा था, पढ़ा जा रहा था नाते। मतलब लोगों की अकीदत का ये आलम था कि लोग जो दर जो जमा हो रहे थे वहां पे खड़े हुए थे और वो सब चाहते थे कि सबके सबको उनकी मेहमान नवाजी का मौका। तो जब तमाम लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी करना चाहते थे और मेरे नबी का दिल इतना खूबसूरत था कि वो किसी को मना नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा ये मामला मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। उन्होंने अपनी ऊँटनी की लगाम के लिए छोड़ी, उनकी ऊँटनी का नाम था कसवा। जब उन्होंने अपनी ऊँटनी की लगाम छोड़ दी और उनको आगे की तरफ मूव किया तो कसवा जो है वो चलती घूमती फिरती बनो नजार के कबीले पे जाके एक खास जमीन की तरफ बैठ जाती। फिर उसे उठाया जाता है कि शायद थक गई है, कसंदन बैठ गई है, वो फिर घूम फिर के वहीं बैठ जाती है। इसी तरह से 3 बार होता है, 3 बार जो है वो ऊँटनी घूम के उसी जगह पे आके जब बैठती है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सोचते हैं कि अब यही कयाम फरमाना है। मगर इतने में एक मतलब हजरत अबू अय्यूब अंसारी आ रहे हैं और वो जिस ऊँटनी के जिस चीज पे बैठते हैं ना उस वो उठा लेते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसके पास ये, तो मतलब ऊँटनी पे बैठने वाला भी उसी के साथ है। तो वो क्या करते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे ही कयाम फरमाते हैं और 7 माह करीबन ये अरसा बताया जाता है कि वहां पे कयाम फरमाया गया 7 महीने। इस 7 महीने में वो ऊँटनी जहाँ बैठी थी वो जमीन जो है वो 2 यतीम लड़कों की थी। अब वो जमीन क्योंकि 2 यतीम लड़कों की थी वहां पे ही मस्जिद नबवी की तामीर थी। पहले जब उसे दरियाफ्त फरमाया गया कि ये जमीन किसकी है, पूछा गया ये जमीन किसकी है, तो जो भी जिनकी जमीन थी उनकी कफालत करने वाले शख्स ने बोला मैं आपको ये जमीन, ये 2 बच्चों की जमीन है और मैं आपको ये जमीन हदीयतन पेश करता हूँ। मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं इसको कीमत में खरीदूंगा। फिर बोला कि मैं उसको, बच्चे जब आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हम जमीन खरीदेंगे, वो हम हदीयतन दे रहे हैं। तो फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं इसे हदीयतन नहीं ले सकता, मैं ये जमीन खरीदूंगा। तो इस जमीन की जो कीमत, वैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई जाती है, मगर इस जमीन की जो कीमत थी वो 10 दीनार, वो तो सोने के सिक्के होते दीनार, 10 दीनार मुकरर हुई और वो जमीन को खरीदा गया। फिर जमीन को खरीदते हुए अब ये जो 7 माह का, 7 माह का टाइम था जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, तो उनके जितने भी घर वाले वो यहाँ ही आके उनसे मिले। जब वो यहीं आके मिले उसमें कौन थी सबसे पहले, तो जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी उनका निकाह ऑलरेडी मक्का में हुआ हुआ था और उस वक्त तक मुशरिकीन से निकाह जाहिर करने का हुक्म नहीं था, खत्म करने का हुक्म नहीं था, तो वो मक्के में रह गई। फिर उनसे उनकी छोटी बेटी जो है वो हजरत उमर के साथ जो है वो हबशा की तरफ हिजरत करके गई थी, तो हबशा वाले मुसलमान अब तक मदीना वापस नहीं आए थे। अभी उन्होंने आना था मगर अब तक आए नहीं थे। तो अब जो जितने लोग बच गए थे, बेमा हजरत सौदा और हजरत आयशा, ये जो है वो अब वो यहाँ आते हैं और वो यहीं पे कयाम फरमाते हैं और इतने में मस्जिद नबवी की तामीर भी आहिस्ता आहिस्ता होती जाती है। मस्जिद नबवी अपने वक्त की सादा तरीन छोटी सी मस्जिद, अगर मैं वो मस्जिद नबवी के आपको बताऊँ इतनी सादा मस्जिद थी कि उसकी दीवारें ईंटों की बनी हुई है और जो छत है वो खजूर के पत्तों की डली हुई है, तने हैं वो
दरख्तों के लगे हुए हैं, तो खूबसूरत मगर मुकम्मल। और उनके साथ जो हुजरे बनाए गए थे, जहाँ पे अजवाज मुतहरा को उस वक्त तो दो ही थी, तो दो हुजरे बनाए गए, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनकी तामीर आगे की गई, तो वो भी बड़े छोटे छोटे 10 10 से 12 12 हाथ बड़े हुजरे थे, और जब खड़े होता कोई इंसान तो उसके सबको हाथ लगा सकता था, इतना ही एक हुजरा बनाया गया। मस्जिद नबवी की तामीर, हजरत अबू अयूब अंसारी के घर कयाम, मगर एक बात, जो महाजरीन गए थे, जितना भी महाजरीन यहाँ से गए, जितने भी महाजरीन यहाँ से गए, वो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में छोड़कर और मदीने की सब तरफ सफर करते गए। नाउ दे हैव नथिंग टू गो, अब इनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके घर है, ना बार है, ना पैसा है। अब जब वो वहां पहुंचे तो किस तरीके से उनको बताया गया कि उनके दरमियान एक रिश्ता कायम किया गया, बाबा खाते मदीना जिसे कहते हैं, भाईचारगी का रिश्ता। और वो भाईचारा ऐसा था कि सगे भाइयों से भी ज्यादा अंसार ने जो है वो अपने माजरीन भाइयों का ख्याल रखा, यानी कि एक माजरीन और एक माजर एक अंसार को बुला दिया जाता, और उन्होंने उनसे कहा जाता कि आपको वापस में भाई भाई है। और इस वादे को अंसार ने इस हद तक निभाया कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बे इंतहा खुश हुए। बहुत सी जगह पे मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से अपनी मोहब्बत का इस तरह भी जिक्र किया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अगर अंसार किसी वादी या घाटी से गुजरे तो मैं भी उसी वादी से गुजरे, और अगर हिजरत ना होती तो मैं जरूर अंसार में से होता। हजरत बुरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अंसार से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करता है सिवाय मुनाफिक को, कोई इनसे बुगुज नहीं रखता, बस जो उनसे मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत रखे, और जो उनसे बुगुज रखे अल्लाह उनसे बुगुज रखे। यानी कि एक वादा, जब हम कोई वादा निभाते हैं वो, और ये वादा जो है किसी आजकल का भी जमाना देख लें, किसी भी तरह अपना माल किसी को दे देना आसान नहीं, पर ये वो वक्त था कि नबी की मोहब्बत के लिए अंसार ने जो है वो अपना माल तक, और एक तो इतना था कि सिर्फ माल ही नहीं, हर चीज को, इनके बागात, उनकी का जितने भी महाजिर थे उन्होंने कभी काश्तकारी नहीं की, वो तिजारत करते थे, तो वो उनकी तिजारत में से हिस्सा नहीं लेते थे, मगर अपने बागात की काश्तकारी में से जो हिस्सा बनता था वो उन्हें जरूर देते थे, और काफी हद तक देते रहे, काफी टाइम तक देते रहे, जब तक एक हुक्म नहीं आ गया कि तुम्हारे रिश्तेदारों का हक ज्यादा है, तब जो है वो एक ऐसा हुआ कि उनपे से ये हक खत्म हुआ, और तब भी वो देते थे कि नहीं ये भाईचारा हमने कायम किया है तो हम भी विल गो विद इट, हम ऐसा कंटिन्यू करते जाएंगे। तो मवाकात मदीना का अफेक्ट कुछ इस तरह था कि उस भाईचारे से मुसलमान वहां पे ऐसी कुवत बन गए थे कि उन्हें तोड़ना मुश्किल हो गया था, हटाना मुश्किल हो गया था, और अब अंसार माजरीन को मिलके रह रहे हैं, माजरीन जो है वो वहां पे, अब जब जो उन्होंने फिर से तिजारत शुरू की उसी मार्केट में उसी जगह पे, तो वो अल्लाह ने उसमें बरकत भी डाली, और बेशक अल्लाह की अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भी अंसार को मिली। ये छोटी छोटी चीजें मदीना के जाते ही फौरन हो गई, और इस नए माशरे में एक चैलेंज मैं जो कहूंगी कि मुसलमानों को नया मिला वो था मुनाफिकीन का चैलेंज। अब ऑब्वियस जब हम वो आगे चलेंगे और हनान भाई को हैंडओवर करेंगे तो वो आपको इस बारे में बताएंगे, क्योंकि पहले जब हम मक्का की बात करते हैं तो वहां मुश्रिकीन, जितने भी मुश्रिकीन है वो कुल के मुखालिफत करने वाले थे, यहाँ जो लोग थे वो ऐसे थे जो कुल की मुखालिफत नहीं करते, वो मुनाफिक हो जाते थे, क्योंकि अब यहाँ पे उनका हेड ऑफ स्टेट का जो एक रुतबा है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता था, तो उनके सामने कुल के नहीं आते थे, और मुनाफिकीन इस्लाम कबूल करके इस्लाम के लिबादे में आते थे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। आगे चलते हैं, ओवर टू यू हनान भाई।
हनान भाई, मिस सादिया, जी नाम भाई अभी तो यहीं पे थे। मेरा ख्याल है उनका डिस्कनेक्ट हुआ है, वो अभी हमें जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। इस दौरान हमारे टीएल्स किसी चीज में कोई सवाल करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। चले जी मैं हनन भाई, आपकी आवाज कट रही है। हनन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छी जितनी देर में हनान भाई हमें ज्वाइन करेंगे, हम इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसी हवाले से बात करते हैं कि जो कि हमें मुआखाते मदीना की मिसाल मिलती है दुनिया की हिस्ट्री में, हमें कभी भी कहीं पे भी इस तरह की मिसाल नहीं मिली कि जहाँ पे इतने हिजरत के नतीजे में इतना भाईचारा देखने में आया हो, और इतने फराख दिली से, इतने खुले दिल से अपने घरों के, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए गए हों, और अपने बेसहारा भाइयों को इस तरह से सपोर्ट किया गया हो कि वो थोड़े ही अरसे में अपने पैरों पर खड़े हो गए। और हम देखते हैं कि महाजरीन जो सहाबा कराम थे, उनकी भी सेल्फ एस्टीम कितनी जबरदस्त थी कि उनमें से अक्सर बहुत खुशी से उनको मरवत में नहीं बल्कि खुशी से कहते थे कि नहीं ठीक है, आपको आपका माल मुबारक, बस मुझे थोड़ी सी जो भी सपोर्ट चाहिए मुझे आप मार्केट का बता दें ताकि हम जाके अपने काम वहां पे शुरू कर सकें। और उनकी कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं ताकि अपने भाइयों पे बोझ ना बने। और हमने देखा कि फिर जैसे जैसे वो अपने पैरों पे खड़े होते गए, वैसे वैसे ही वो जल्द जल्द अज जल्द उनकी कोशिश होती थी कि अपने भाइयों को उनका माल, उनके बागात, उनकी जमीनें वापस कर दें। हालांकि अंसार ने उनको कभी एहसास नहीं दिलाया था, उनसे कभी मुतालबा नहीं किया था, वो तो उनको मुस्तकिल दे के फारिग हो चुके थे। यहाँ तक कि कुछ अंसार ने ये भी जब देखा कि जिनका भाईचारे के दौरान जिनका भाई किसी गैर शादीशुदा शख्स को बनाया गया था, तो वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम अपनी बीवियों में से किसी को तलाक दे दें ताकि आप निकाह कर सकें, आप अपनी अजदवाजी जिंदगी शुरू करने में कोई मुश्किल ना हो। कौन करता है ऐसे? तो इतनी इसार की, मोहब्बत की, कुर्बानी की जो मिसाल कायम कर गए हमारे सहाबाए किराम, रहती दुनिया तक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और हमारे सहाबाए किराम ने ही सिखाया कि मुसलमान कभी भी हरीस नहीं होता। हमारे जो जितने मुहाजिर सहाबाए किराम थे, उन्होंने जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद उनकी तमाम फेवर्स को लौटा भी दिया। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसमें हम देखते हैं कि जल्दी मुसलमान अपने पैरों में आहिस्ता आहिस्ता खड़े होते जा रहे हैं। और जाहिर है तवक्कुल का दौर था उनको, ये चीजें तो नहीं होती थी कि आलीशान हम ज्यादा से ज्यादा जमा करने की हिरसो हवस हो, ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के काबिल हो चुके थे। हनान भाई हमारे साथ वापस आ चुके हैं। हनान भाई आप जी मैं कंटिन्यू करता हूँ, जरूर। सॉरी फॉर डिसकनेक्शन। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सर के ऊपर छत नहीं है, जैसे सिस्टर सारिश ने एक्सप्लेन किया, और तकरीबन दो मस्जिदों की जो है ना बुनियाद रख चुके हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हफ्ते के दौरानिया में। इससे हमारे दीन में जो मस्जिद की अहमियत है और जो नमाज की अहमियत है उसकी तरफ भी इशारा है।
इसमें मेरे ख्याल से सूरह हज की जो आयत नंबर 41 है, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्द, बेसिकली इसका तर्जुमा यही है कि ये वो लोग हैं जिनको अगर हम इक्तदार बख्शें तो वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। एनीवेज अगर हम बात करें मदीना में जो हमारे पास स्टेटस को था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले तो यहूदी और मुशरकीन थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले कुछ लोग, कुछ अंसार मुसलमान होना शुरू हो गए थे, तो बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो महाजरीन आए, ये मिल के इन लोगों ने एक मुसलमान की बेसिकली एक न्यू कैटेगरी क्रिएट हुई। तो अगर हम देखा जाए तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि मक्के की 12-13 मुश्किल साल के बाद, प्रोसिक्यूशन के बाद और जुल्म और ज़्यादती के बाद, अगर डीप स्टडी ना करें तो ऐसा लगता है बज़ाहिर के मुसलमान अचानक से कुछ जन्नत में चले गए थे। ऐसी वजह नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वहाँ भी इंतहा के चैलेंजेस थे, जो कि इंशाल्लाह हम मदनी सीरा में ऐसा ऐसा आगे डिस्कस करेंगे। अगर एक ये ब्रीफ मैप है मदीना का, मदीना जो है ना, ये मक्का से और बाकी काफ़ी और शहरों से मुख्तलिफ था कि मदीना वॉज नॉट लाइक ए सिटी, जिस तरह सिटी के कॉन्सेप्ट हमें आज है, या जो लोग मदीना गए हैं रिसेंटली हज उमरे में, तो वो देख सकते हैं कि मदीना एक वेरी वेल कनेक्टेड और उस तरह का सिटी है। लेकिन एट द टाइम ऑफ हिजरत, मदीना कह लें कि जो सेंट्रल स्पेस है जिसको हम मदीना जानते हैं, या जहाँ मस्जिद नबी की बुनियाद रखी गई, वहाँ एक बहुत छोटी सी आबादी रहती थी। बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं, डिफरेंट कबाइल अपने अपने इलाकों में, जिन्होंने डिफरेंट इलाके या डिफरेंट एरियाज उनके थे, वहाँ वो क्या कहते हैं रहा करते थे। उसमें ख़ासतौर पर जो यहूदी कबाइल हैं, बनू करेज़ा और बनू नज़ीर और बनू कैनका, तो ये लोग तो अपने अपने किलों में रहा करते थे, और ये जो किले थे इनके, दे जो जो मेन सिटी है मदीना का, उससे 1.5-2 घंटे की वॉक पे थे। तो ये मदीना इस तरह नहीं था कि जिस तरह हम आज देखते हैं, खैर अब आज तो क्योंकि रोड ट्रेवल है ऑब्वियसली हम कनेक्टेड है, लेकिन जो कुबा है दैट वॉज कंसिडर्ड आउटसाइड ऑफ मदीना, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सबसे पहले वो उन्होंने कुबा में तशरीफ़ रखी, और यहाँ ही मस्जिद कुबा है। और जो मदीना है तकरीबन जो मक्का से 450 किलोमीटर जो है ना नॉर्थ पे है, तो यानी मक्का साउथ में है, और मदीना के आप देख सकते हैं तकरीबन दोनों तरफ पहाड़ हैं, और तीन तरफ अतराफ में इस तरफ ओहद की पहाड़ी है। तो मदीना इज़ अ वेरी वेल प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर सिटी। हम आगे डेमोग्राफिक्स पे आगे मजीद चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहूद, मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आपकी आवाज सुन गई है। रोहन भाई आप स्लाइड शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, इंशाल्लाह तब तक हनान भाई हमें ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कि आप सभी इस बात से वाकिफ है, मदीना की आबादी में एक हिस्सा यहूद का भी था। और क्या आप में से किसी ने कुछ ना कुछ तो सुना होगा यहूद के मदीना में रहने के बारे में, तो प्लीज आप में से कोई हैंड रेस करके उसके बारे में बताना चाहेंगे हमारे टीएल्स में से। जी सर, आप कुछ कहेंगे? आपने मुझसे ही पूछा? आपने हैंड रेज किया, बताओ। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मदीना में यहूद आके इसलिए रह रहे थे क्योंकि उन्हें ये पता था कि नबी एक आने वाला है, और वो यहाँ पे लोगों को कहते थे कि एक देखना हमारा नबी आएगा और इसके बाद आप हमारी वो पुरानी या आप हमारा स्टेटस देखना कि क्या हो जाता है। तो वो इस और उन्हें बिल्कुल, ये पता था कि वो इसी सरजमीन पे आने वाले, मदीना के करीब करीब और मदीना के अंदर यस बहुत सारे यहूदी आबाद।
यस बिल्कुल, ये हकीकत है कि यहूद, चूंकि उनकी किताबों में इतनी क्लियर निशानियां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता दी गई थी। और हम जब हजरत सलमान फारसी की कहानी पढ़ते हैं कि जिस तरह से वो सफर करते हुए ईरान से मदीना पहुंचे, तो हमें पता चलता है कि उनके यहाँ आने की वजह भी यही थी, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आखिरी नबी जो थे, इनसे पहले पहले वाले यानी सेकेंड लास्ट नबी जो थे, वो हजरत ईसा अलैहि सलाम थे। और इस्लाम के आने से पहले तक जो दीन था वो ईसाइयत ही था, या जो बनी इसराइल को यहाँ पे जो भेजा गया मतलब अम्बिया के जरिए जो कमांडमेंट्स वगैरह दी गई थी, तो वही दीन था। तो हजरत सलमान फारसी ने उस वक्त के दीन को कबूल किया, ईसाइयत कबूल की, और फिर जब उनको बताया गया आखिर मुख्तलिफ पादरियों के पास से होते होते, और उनको पता चला कि अब कोई भी इस दुनिया में असल दीन पे कायम नहीं रह गया, और उनके एक पादरी ने खुद कहा कि यशरब की तरफ जाने को कहा कि वहां पे आखिरी नबी आने वाले हैं, वहां पहुंच जाओ और अगर नबी को पाओ तो उनके ऊपर ईमान ले आना। सो इतना क्लियर कट उनको पता था कि आखिरी नबी आने वाले हैं और इसी इलाके में आने वाले हैं। इसके बावजूद अभी आगे चल के हम देखेंगे कि रवैया क्या अख्तियार किया इन यहूद ने, बजाय इसके साथ देते इन्होंने दुश्मनी का रास्ता अख्तियार किया, सिर्फ हसद और कबाइली प्रेजुडिस असलियत की वजह से। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इनको मुखातिब करके भी कहा ना कि तुम पहले काफर मत बनो, तुम तो जानते हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा कि ये आपको अपने बेटों से ज्यादा अच्छी तरह पहचानते हैं। अकबर अली भट्टी जी, आपका हाथ खड़ा हुआ जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक सवाल पूछना था कि जी। हजरत सुलेमान फारसी का जिक्र हुआ है, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो जब मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया, तो फिर उन्होंने एक निशानी भी उनको चूंकि बताई गई थी कि मोहरे नबूवत, उसमें फिर सैयद सुलेमान नदवी की जो सीरत नबी है उसमें उन्होंने लिखा कि शायद ये रवायत कमजोर है। उस हवाले से चूंकि आपने स्टडी किया हुआ है तो जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा कि क्या वाकई ये दुरुस्त रवायत है, और क्या रसूलुल्लाह की कमर पे कोई मोहरे नबूवत थी या ये रवायत कम दुरुस्त नहीं। अगर आप मुनासिब समझे तो इस पर भी जरा बता जी दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमरे मुबारक पे मोहरे नबूवत थी, इसके बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं, और उन रवायात को देख भी लूंगी मैं। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि सैयद सलमान नदवी ने कौन सी वाली रवायत को कमजोर कहा है, मोहरे नबूवत को या हजरत सलमान की उस निशानी को मांगने की रवायत को। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कौन सी वाली को कहा, इसको चेक करना पड़ेगा उस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात है, वरना जो जी, वो रवायात मैं इसको मोहर मोहर की बात है। जी बात को इसको जी एक अभी चेक कर लें, क्योंकि मैंने रवायात को पढ़ी जिनमें ये लिखा हुआ है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम शमाइल की किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि मोहरे नबूवत आपके कमरे मुबारक पर थी। और अब कौन सी रवायत को सैयद सलमान नदवी ने क्वेश्चन किया, इसको मैं देखे बगैर नहीं गया, सब कुछ चेक करना पड़ेगा इंशाल्लाह, इसको चेक करके आपको बता दूंगी। आपका ग्रुप कौन सा है, मैं कैप्टन के थ्रू मैंशन करवा दूंगी। जी ठीक मैडम, मिस सैरश अली जुमानी, मैं उन्हीं के ग्रुप। ठीक है इंशाल्लाह ठीक, इंशाल्लाह शुक्रिया। इसको हम चेक कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। जी हनान भाई अच्छा, सॉरी, मैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हम बात कर रहे थे यहूदी की, कि यहूदी कबाइल यहाँ क्या कर रहे थे। तो अगर यहूदियों के अगर फर्दर डिवीजन देखें तो उनमें तीन कबाइल में जो बटे हुए थे, बनू कुरेज़ा, बनू नज़ीर और बनू कैनुका। और ये तीन कबाइल में क्यों बटे हुए थे उसकी भी कोई मेन रीज़न शायद इसके सवाल नहीं है कि इन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे हिजरत की थी मदीना में। तो बेसिकली ज्यूज़ जो थे यहूदी से सबसे पहले यस्रिब में जिन्होंने मकाम किया था हासिल, वो यहूदियों ने आके किया था। और ये औस और खजरज कौन है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम यहूदियों के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें या अगर हम उनके उसकी बात करें रीजन्स फॉर हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम। बुरहान भाई नेक्स्ट स्लाइड काइंडली, थैंक यू। जो यहूदी थे ना, उनका एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो कि आज तक उनका है वो है रिबा, जो कि सूद, जैसे कि हम जानते हैं। और वो महंगे दामों पे रिबा दिया करते थे, सूद पे कर्जे दिया करते थे, और जो लोग कर्जा नहीं दे पाते थे उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे। और जैसे कि कुरान में भी है, ये साजिशें किया करते थे। तो ये साजिशें करके जान के जो औस और खजरज हैं, जो बेसिकली अरब ट्राइब्स थे, जो कि बाद में जिनमें से मैक्सिमम लोग मुसलमान हो गए, तो उनके दरमियान जो लड़ाई है
या कह लें उनके दरमियान जो जंग है उसमें ये दोनों साइड्स को स्पॉन्सर किया करते थे, कर्जे दिया करते थे, उनको सपोर्ट किया करते थे, खुद लड़ा नहीं करते थे लेकिन उनकी जंग पे बेसिकली फ़ायदा उठाया करते थे। इसके अलावा कपड़े, शराब और गल्ले का भी इनका कारोबार था, और खजूर क्योंकि मदीना की यसरिब की मशहूर थी और सबसे अच्छे लैंड्स इनके पास थे, ये खजूर एक्सपोर्ट किया करते थे मदीना से। तो डेफिनेटली ये सबसे रिचेस्ट लोग थे इस वक्त मदीना में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान आए। और जो रीजंस फॉर हेट्रेड है वो एक तो डिस्कस हो ही गया, जो हम सब जानते भी हैं कि सबसे बड़ा जो उनको वो था कि ये जो रसूल आया है ये हमारी लीनियत से क्यों नहीं आया। जैसे कि हम जानते हैं कि इनको अपनी लीनियत पे, अपने शजरा नसब पे इतना तकब्बुर है कि ये लोग किसी और को आप कह सकते हैं अगर बिल्कुल लेमन टर्म्स में कि इंसान ही नहीं समझते। तो एक तो नफरत ये थी, सेकेंडली इनको ना एक इकोनॉमी को इनकी थ्रेट नजर आ रहा था कि जब ये औस और खजरज इकट्ठे हो गए हैं तो हम इनको इस तरह मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे जैसे हम इनको पहले कर रहे थे। सिमिलरली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत अर्ली अर्ली जो इकदाम लिए उनमें से इकदाम ये भी था कि अपना सूक यानी अपनी मार्केट हम मदीना में कायम करेंगे। तो जो यहूदियों की जो सूक थी सबसे बड़ी मार्केट थी, बेसिकली उनकी मोनोपली भी ब्रेक होना शुरू, उनको नजर आ रही थी कि हमारी जो इकोनॉमिक मोनोपली है मदीना के शहर के अंदर वो भी ब्रेक होने जा रही है। तो इसी के जुमर में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो हैं हजरत सफिया बिनत लुहई रजी अल्लाह अनहा, ये ऑब्वियसली हमारी बाद में जाके उम्मुल मोमिनीन भी बनेंगी। तो ये बताती हैं कि मैं अपने वालिद और अपने चचा के इंतहाई करीब थी और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ आवरी हुई उनकी, तो इनके वालिद यानी लुहई बिन अख्तब और उनके जो भाई हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए। तो जब ये लोग वापस आए तो ये इस कदर गमगीन और कहते हैं ना बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हुई हुई थी उनसे, और इतने अफसरदा थे कि उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे से मुराद उन्होंने हजरत सफिया को इग्नोर कर दिया। तो उनका वो मुकालमा नकल करती हैं, वो उनमें से उनसे पूछते हैं कि क्या ये शख्स वही है? तो आगे से उनका जवाब सुने, हाँ वही है अल्लाह की कसम। वो उनसे उनके भाई फिर रिकन्फर्म करते हैं, क्या आपने ठीक ठीक पहचान लिया है? उन्होंने कहा जी जी ये वही है। फिर वो पूछते हैं फिर आपके दिल में क्या इरादा है? तो आगे से जवाब देते हैं मैं उनका दुश्मन रहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूं। यानी इस बात से अंदाजा लगा लें कि हक मान के हक से इनकार करते थे। लेकिन खैर सारे लोग ऐसे नहीं थे, हमारे पास एक अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हा की एग्जाम्पल भी है। ये बहुत मशहूर जो है ना और बहुत वेल नोन जो रबाई जिन्हें हम कहते हैं जो इनके स्कॉलर थे, तो ये आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कुछ सवालात किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसर किए, तो उसके बाद उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, हक पहचान लिया। फिर उन्होंने, उनको पता था अपने जूस के बारे में, अपने यहूदियों के बारे में पता था, उन्होंने कहा ऐसा करें आप मेरे बारे में पहले दरियाफ्त तो करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यहूदी सरदार बुला के उनसे दरियाफ्त किया कि अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा शख्स है। उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की, उन्होंने कहा ये हमारा सबसे बड़ा आलिम है और सबसे अच्छा आदमी है और ये सबसे बड़े और कह लें अच्छे आदमी का बेटा है। और जब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना ईमान, अपने इस्लाम का इकरार किया यहूदियों के सामने, तो वही लोग जो 2 मिनट पहले उनकी बेहद तारीफ कर रहे थे वो कहने लगे कि ये हमारा सबसे बुरा आदमी है, और उनको गालियां देते हुए वहां से रुख्सत हो गए। सिमिलरली एक और इनके स्कॉलर थे मुखेरिक, उनके पास बहुत ज्यादा डेट पाम ट्रीज भी थे, बहुत अमीर थे। तो उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया अपने उनके साइन से, और उनका दिल जो है ना माइल हो गया इस्लाम की तरफ। उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया हजरत के वक्त, लेकिन उनका दिल मायल था इस तरफ। और जिस दिन ग़ज़वा उहद का दिन था तो उस दिन वो आए और अपने यहूदी साथियों से कहा कि तुम क्यों नहीं जा रहे मुसलमानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्योंकि तो हमने तुमसे मुआहदा किया हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा सबात का दिन है, हम इस दिन जंग नहीं लड़ते। खैर इन्होंने अपने हथियार उठाए और ये ग़ज़वा उहद में शामिल हुए मुसलमानों के साथ और इस्लाम कबूल करके, और एक ही दिन यानी जिस दिन इस्लाम कबूल किया उसी दिन इनको शहादत नसीब हुई। तो इसे ये हमें समझ आती है कि कुछ लोग अच्छे भी थे और जो हक मान के उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया, लेकिन अक्सरियत इनमें से हक पहचान के जो है ना उस पर अड़ी रही और जानी दुश्मनी इन्होंने इन्हीं किस्म की बना ली। अगर हम बात करें महाजरीन और अंसार की, तो महाजरीन फुल ऑफ ईमान और फुल ऑफ क्या कहते हैं तकवा, लेकिन इस वक्त वो पेनीलेस थे, उनके ऊपर सर के ऊपर छत नहीं थी, उनको प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत थी। अब अंसार जो थे ऑब्वियसली इस्लाम कबूल कर चुके थे इनमें से मेजोरिटी लोग, और बाकी लोग ऐसा ऐसा करते जाएंगे, लेकिन इनमें एक बहुत जो कह लें ना डीप एनमिटी कह लें या पुरानी दुश्मनी थी औस और खजरज के कबीलों में। ये औस और खजरज की जो दुश्मनी है, ये जब अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल
ने जब हज़रत आयशा सदीक़ा में जो तोहमत थी उसमें इसने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। तो जब नबी सल्लम चाहते थे कि इस शख्स की गर्दन उड़ा दी जाए, तो ये जो इनकी दुश्मनी थी दोनों कबाइल की, उस दुश्मनी की वजह से ये अब्दुल्ला इब्ने उबई जो है ना, ये कत्ल ना हो सका। यानी इस्लाम कबूल करने के बाद भी कभी कभी ये पुरानी चंगारियाँ जो है ना, ये भड़क उठती थी। और जो तीसरी कैटेगरी थी जो मुशरिकीन है, इनमें से कुछ तो सादा लोग थे, वो गैर जानबदार थे, उनका ना मुसलमानों की तरफ था ना क्या कहते हैं यहूदियों की तरफ अलाइंट थे, वो बस देख रहे थे कि क्या ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो खास तौर पे जो अब्दुल्ला इब्ने उबई है जिसका हम जिक्र करेंगे, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत होने लग गई कि ये क्यों आके हमारी जो पोलिटिकल पावर है हमसे छीनी जा रही है। और बेसिकली इनके दिलों में ये जो मुनाफिकीन है, बेसिकली दिल में इनके नफाक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना लग गया। और अब मज़े की बात देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी शख्स को, या मुसलमानों ने किसी शख्स को मुसलमान होने पे फोर्स नहीं किया था, लेकिन जो जो मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता पोलिटिकली, मतलब दे हैड टू एक्सेप्ट इस्लाम इवेंचुअली पोलिटिकली, वो दिल से ईमान नहीं लाए थे, खैर इसी वजह से वो मुनाफिक थे। और इनमें से जो अक्सरियत है ये इस्लाम इन्होंने कबूल भी गज़वाए बदर के बाद किया, जब इन्होंने एक दफ़ा देख लिया कि वाकई मुसलमान जो है ना, ये दे आर हेयर टू स्टे, और रिलेक्टेंट एक्सेप्ट किया। इसमें जो अब्दुल्ला इब्ने उबई है, ये वो शख्स था जो कि आप कह सकते हैं कि जब बुआत वॉर्स हुई थी, जो आप कह सकते हैं सिविल वॉर थी औस खजरज की, उसमें तमाम इनके बड़े सरदारान कत्ल हो गए थे, तो ये बच गया था। और ये किस्म का सुप्रीम लीडर सुनाए कुरान में टर्म यूज होती है, तो ये उस स्टेटस ही का था। और इवन ये भी कहते हैं कि बादशाह ही की, या कहते हैं अनसेरेमनाइज किंग की हैसियत से था। तो जब नबी सल्लम की आमद हुई तो इसको अपनी ये जो पावर उससे छीनी, इसका इस हद तक गम था। यानी ये थ्रू आउट आगे जो मदनी सीरा है, जब तक ये फौत नहीं हुआ शख्स, इसने पूरी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को लड़वाने की, औस खजरज को लड़वाने की और अंसार मुहाजरीन को लड़वाने की इतनी कोशिश करता रहा। और जिसका ऑब्वियसली सबसे बड़ा जुर्म तो जो है स्लैंडर ऑफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा में है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी बुरा लेख भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। अच्छा, मैं अब एक्सप्लेन करूंगी मिसाके मदीना को। अभी तक हम लोग देख रहे हैं तहरीके इस्लाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों को। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट वेज जो हैं वो चूज किए, दावती तबलीगी, अस्करी जिहादी, आइनी दस्तूरी और सियासी मुहादाती वगैरह। तो मदनी जिंदगी में जो ज्यादा पहलू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें देखने को मिलता है तहरीके इस्लाम के लिए, वो दावती और तबलीगी था। अब चूंकि मदनी जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हिजरत के पहले साल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहदा किया। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी मुआहदाती और आइनी और दस्तूरी जो जिद्दोजहद है उसकी जो बसीरत है वो हमारे सामने आती है। मिसाल के मायने होते हैं अहदनामा, कौलो करार वगैरह। और चूंकि ये मदीना में हुआ तो इसलिए मिसाल के मदीना के नाम से मशहूर है। और ये हिजरत के पहले साल गालिबन या कुछ रवायात के मुताबिक हिजरत के दूसरे साल ये मुआहदा हुआ। और जानते हैं कि अरब में पहले कोई भी ये मुआहदा जो था वो बैनुल अक्वामी लेवल यानी इंटरनेशनल लेवल का नहीं था। या दो इंसानों में किसी बात पर कोई मुआहदा वगैरह हो जाता, या दो कबीलों वगैरह में, या दो ग्रोहों वगैरह में। लेकिन ये पहला बैनुल अक्वामी मुआहदा था जिसमें मुहाजरीन तो अंसार और तमाम लोग यहूदी वगैरह सब शामिल थे। और दूसरा फिर हम देखते हैं कि ये पहला जो था वो तहरीरी मुआहदा था। पहले कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ जो कि रिटर्न फॉर्म में हमारे पास मौजूद हो। और ये बड़ी अजब बात ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि एक उम्मीद थे, उन्होंने जामे तहरीरी दस्तूर जो है वो सबसे मुतारिफ करवाया जब अभी दुनिया किसी भी आइन या दस्तूर से नाआशना थी। अभी हम देखते हैं कि जो जदीद मगरबी दुनिया जिन्हें खुद पे बड़ा फख्र है, उन्होंने भी जो आइनी दस्तूरी सफर है वो 1512 में जब पहली बार मैग्ना कार्टा पे दस्तखत हुए उस वक्त स्टार्ट किया था। और जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फोन 593 खाना जबकि तो फोन दे दो यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फाइव आज नाइनटी खाना थ्री तो ईयर्स होना है यार। पहले अच्छा बहुत अभी भी खाना पे 3 ईयर्स पहले ही जो है वो रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है वो दे चुके थे। मिसाके मदीना इसमें आइन की हैसियत रखता था। दूसरी ये बात, ये आइन, ये जो मिसाके मदीना की चंद एक खसूसियात आप समझ लें, जैसे मिसाके ये मुख्तसर तरीन जो था वो मिसाली दस्तूर था। यानी अभी भी आप देखें तो अमेरिका में समझा जाता है कि उनका जो आइन है वो सबसे मुख्तसर तरीन है
और वो जो 7,000 अल्फाज पर मुश्तमिल है। लेकिन 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मिसाक मदीना जिस जो बेसिकली एक आइन की हैसियत रखता है वो 730 अल्फाज पर मुश्तमिल था। अब जाहिर सी बात है ये मुहादे की कुछ ना कुछ वजूहात भी थी जिसमें से चंद अहम का मैं यहाँ जिक्र करूंगी। एक था यहूदियों की तरफ से खतरे के जो इम्कान थे उनको कम करना था। जैसे अभी हनान भाई ने भी काफी रोशनी डाली है यहूदियों की मस्जिद वगैरह पे भी, तो समझ आ रहा होगा कि जो मदीना पर था वो तमाम मामलात पे ये यहूदी छाए हुए थे। सियासत हो, इकतदार हो, मैशियत, हर शोबा में यानी इन्हीं का तसल्लुत था। तो वो हरगिज ये बर्दाश्त नहीं थे कर सकते कि कोई बाहर से आए और क्यादत उनके हाथ में चली जाए। दूसरा, मुसलमानों का तहफ्फुज़ भी दरकार था क्योंकि मक्का में भी मुसलमानों को बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। तो और दूसरा फिर ये कि इस्लामी रियासत को भी बैरूनी खतरात वगैरह से बचाना था। जैसे हम जानते हैं मक्का वाले भी दुश्मन थे, उसके अलावा तमाम रोम, फारस, ये सारी के सारी उस वक्त सुपर पावर्स थी, तो इनसे भी वो बैरूनी खतरात वगैरह थे, तो उनसे बचाना भी मकसूद था। फोर्थ ये कि मदीना में जो आबाद गैर कौम इस्लाम के रास्ते में कहीं ये रुकावट ना बन जाए, क्योंकि मक्का में तो पहले मुश्किल पेश आ रही थी, अब मदीना में भी आकर अगर यही सब कुछ फेस करना पड़ता तो फिर तो हिजरत का कोई फायदा ना रहता। तो इसलिए कि जो गैर कौम है, चाहे वो यहूदी हैं या मुश्रिक हैं या जो भी हैं, उन सबसे वो सारे के सारे इस्लाम के जो हैं उनके रास्ते में रुकावट ना बने। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो क़ियादत को तस्लीम करवाने का बेहतरीन वक्त और बेहतरीन जगह भी थी। हम जानते हैं पहले दो बार जो हिजरत हुई वो हबशा की तरफ हुई, लेकिन अभी मदीना की तरफ आने का एक रीजन ये भी था कि जो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा की तरफ हिजरत करके जाते तो वहां उन्हें सियासी क़यादत हासिल होती, क्योंकि वहां तो पहले एक प्रॉपर हुकूमत थी जो के काम कर रही थी, तो वहां एक शहरी की हैसियत से जस्ट मतलब जिंदगी गुजार सकते थे। एक तो ये हिकमत समझ आती है, दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से तकरीबन 2 साल पहले वहाँ ओस और खिजरज के दरमियान एक जंग हुई थी, जंगे वास। यहूदियों का जैसा कि अभी हनान भाई ने जिक्र किया कि वो दोनों तरफ पैसे वगैरह दे के और दोनों को भड़का के जंगे वगैरह, क्योंकि उन्होंने अपने हथियार वगैरह बेचने होते थे, सूद वगैरह फराहम करना था, इस तरह की वो फसाद शुरू से बर्पा करते आते थे। और तो उसमें ओस और खिजरज की जंग तो हुई, लेकिन इसमें यहूदियों को भी जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये तवील तरीन जंग थी जो तकरीबन 2 साल तक रही। तो इसके बाद जब जब लोग इससे तंग आ गए तो इसके ओस और खिजरज के तमाम बड़े बड़े जो अकाबरीन थे वो बैठे, उन्होंने फैसला किया कि दोनों कबीलों में से कोई एक शख्स जो है वो मुतफक्का तौर पर जिसको बादशाह बनाया जाएगा और जो के काबिल एतमाद भी हो और मुतबर भी हो। इसके लिए जो है अब्दुल्ला बिन उबई का इंतखाब किया गया था। और फिर इतने में हिजरत हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और फिर आगे के सारे मामले आपके सामने जो भी कुछ बयान किए गए और कुछ भी बताए जाएंगे। तो एक तो ये भी रीजन था, ये जो अब्दुल्ला बिन उबई है मुनाफिकों का सरदार और उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ती हुई नफरत और मुसलमानों से कि वो बादशाह बनने वाला था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आते ही क़यादत जो है उनके हाथ में चलेगी। और फिर ये भी इसमें ये भी बात समझ आती है कि जो यहूद थे और जो ओस और खिजरज थे और जो मदीना के रहने वाले लोग थे उन्होंने क्यों नबी सल्लल्लाहु असलम की वो क़यादत पर तस्लीम किया, उसका एक रीजन ये भी था कि वो थक चुके थे और वो किसी एक को चाहते थे कि जो बादशाह बने, और वो इस काम के लिए कोशिश भी कर रहे थे, और क्योंकि सबसे ज्यादा खूबियां हमारे नबी ही में थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए फिर उन्हें का इंतखाब किया गया। अब मुआहदे के जो अहम नकात है उनका खुलासा जरा मैं बयान कर देती हूँ डीपली, अगर आपने पढ़ना हो तो आप सीरा की बहुत सारी किताबें हैं उनमें ये मेंशन है तो आप पढ़ सकते हैं। तकरीबन ये 53 आर्टिकल्स थे या 63, अब वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है, तो कुछ ने 63 लिखे हैं, कुछ ने 53 लिखे हैं, जिसमें से चंद एक जो अहम अहम है उनका खुलासा है। जो सबसे पहला था कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, आर्टिकल नंबर 1 जो था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट यानी आईनी दस्तावेज। इसमें बताया गया था, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये रसूल अल्लाह की तरफ से दस्तूरी तहरीर है, यानी तहरीरी सूरत में है और दस्तूर की हैसियत रखता है। अब इसमें कोई भी शक व शुबा जो है वो नहीं रहता पहले जो आर्टिकल है उसी को पढ़ने के बाद। उसके बाद जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, आर्टिकल नंबर 2, यानी कि तमाम जो आइनी तबकात हैं उस रियासत में जो भी आ रहे हैं, जितनी भी क्लासेस आ रही हैं, चाहे वो यहूद है, मुहाजरीन है, अंसार है, और चाहे कोई गैर मुस्लिम कौम है, जो भी है, सारे के सारे जो इसके अंडर आते हैं उन सबकी तरफ ये मुआहदा, ये दस्तूर किया जाता है, पेश किया जा रहा है। अब इसके दो अहम पहलू हैं इस मुआहदे के, दो बड़े ग्रोहों के दरमियान था। पहला जिसका ताल्लुक है वो अंसार और महाजरीन से था, दूसरे का ताल्लुक था यहूदियों से। अब जो पहला वाला है जो अभी पहले हिस्से को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन यानी अंसारों महाजरीन की तरफ पेश किया,
उसमें जो आर्टिकल नंबर 3 है वो नजर आता है कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनैलिटी यानी आइनी कौमियत की तश्कील, यानी कि जो तमाम के तमाम मोमिनीन है वो सियासी वहादत की हैसियत रखेंगे, यानी इसमें उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ लोगों ने, किसी ने सियासी वहादत लिखा, किसी ने एक उम्मत लिखा, लेकिन इसमें उम्मत का ही बेसिकली कॉन्सेप्ट था। यानी अब रंग, नस्ल, जुबान वगैरह की कोई हैसियत बाकी नहीं रही, बल्कि इससे बालातर होते हुए तमाम के तमाम जो मुसलमान है वो एक उम्मत की हैसियत रखेंगे। और मजीद हम जानते हैं कि मक्का में जो था वो अभी अहकामात नहीं थे आए, अभी बस अकायद वगैरह पे काम हुआ था, तो इसीलिए फिर जो दियत वगैरह के जो कवानीन थे, जो फिदिया वगैरह के कवानीन थे, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मुहाजरीन कुरैश के लिए जो है, जो उनका सबका कानून है दियत का और फिदिया वगैरह का, वही नाफिज रहेगा। और इसी तरह से फिर हम देखेंगे कि जुहूद में भी यही तय पाया था, और यही आर्टिकल नंबर तकरीबन 5 से ऑनवर्ड तकरीबन 10 जो है, डिफरेंट जो ग्रो है उन सबका बाकायदा एक एक का नाम लेकर रसूल अल्लाह ने ये बात बयान फरमाई। और फिर ये कि अगर कोई बेकस है, कोई मजलूम है या कोई गरीब है, तो उसको ये नहीं किया जाएगा कि उसको दिया दिया फिदिया वगैरह से महरूम रख दिया जाए। और फिर ये कि मोमिनीन जो है, सारे के सारे मोमिनीन उस शख्स के खिलाफ होंगे जो उन पर ज्यादती करेगा, यानी जुल्म, गुनाह और फसाद वगैरह के खिलाफ इज्तिमाई जो है वो मजाहमत की जाएगी, ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मोमिनीन के खिलाफ होकर किसी काफिर की मदद नहीं की जाएगी। अब मोमिनीन तो नहीं करेंगे, इसमें यहूद भी शामिल थे, कि कोई भी मोमिनीन के खिलाफ होकर किसी काफिर की मदद नहीं की जाएगी, और कोई मोमिन यह है कि किसी काफिर के लिए किसी मोमिन को कत्ल नहीं करेगा। और एक आदमी का जो दिया हुआ जिम्मा है, यानी जो अहद है, वो तमाम के तमाम मुसलमानों पर लागू होगा। ये अभी हम वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि मुहाजिरों अंसार से थे। अब जिम्मा से मुराद अहद, अब अगर कोई एक गैर मुस्लिम है और कोई मोमिन अंसारों मुहाजिरों में से कोई एक उसको अहद दे देता है, जिम्मा दे देता है, अमन दे देता है, तो बाकी तमाम के तमाम जो है मुहाजिरों अंसार वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उससे जंग वगैरह नहीं करेंगे। और ये अरबों में हमें नजर आता है कि ये पहले भी इसी तरह से था, तो यही आगे जारी रहा। लेकिन फिर ये है कि अगर कोई जंग वगैरह हो रही है, सारे के सारे मोमिन जो है वो जंग में शरीक है, और कोई मोमिन में से कोई एक इंसान उठ के, जो मुखालिफ ग्रोह है, जो मुखालिफ पार्टी है, उसमें से किसी एक आदमी को जिम्मा दे दे कि जी मैं आपको अमन देता हूँ, तो ये हरगिज काबिले कबूल नहीं है। उसके बाद जो यहूद हैं, वो अगर पैरोकार हो जाएंगे तो उनकी मदद की जाएगी, फिर उनके साथ जुल्म का रवैया नहीं रखा जाएगा और ना उनके खिलाफ तावुन ही किया जाएगा। उसके बाद कि अगर कोई किसी मोमिन को कत्ल कर देता है, तो उसकी सूरत में किसास भी लिया जाएगा। अब दूसरे हिस्से को हम देख लेते हैं। दूसरे हिस्से का ताल्लुक जो है वो यहूदियों से था। अब यहूदियों के जो तीनों कबाइल हैं उनका जिक्र हो चुका है, उनको सबसे बड़ी बात उनके लिए ये थी कि उनको मजहबी आजादी हासिल थी, और उसके अलावा जो मदीना का दिफा था, यहूदी भी मुसलमानों के साथ मिलके मदीना का दिफा करेंगे इन केस के अगर कोई मदीना पर हमला करता है। और आगे आप देखेंगे कि यहूदियों का क्या रवैया रहा और फिर किस वजह से सारे के सारे मामले आगे सीधा में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इसके आर्टिकल में शामिल था। और उसके बाद के अगर कोई बैरूनी कुवत हमला करती है, तो मुसलमानों के साथ मिलकर उन्हें भी लड़ना होगा, और अगर जंग वगैरह के अखराजात हैं तो वो मुसलमानों के साथ होकर उन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे। और मुसलमान और यहूदी जो है वो दोस्त की हैसियत रखेंगे, एक दूसरे के हलीफ होंगे, बाहमी सुलह मशावरत वगैरह इनमें होगी। और ये कि कुरैश और इनके जो हलीफ कबाइल हैं, यानी जो मोमिनीन के दुश्मन है कुरैश और उनके जो हलीफ कबाइल होंगे, यहूद भी उनकी मदद नहीं करेंगे। मोमिनीन तो बेशक नहीं करेंगे, ये भी आर्टिकल था, लेकिन स्पेशली यहूद भी उनकी मदद नहीं करेंगे। और फिर मजलूम की मदद की जाएगी। अब ये अहम था, आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हल्फ फजूल में शामिल थे, जिसमें ये तय पाया था कि कोई अगर मजलूम है, चाहे वो मक्का से हो या ना हो, उसकी मदद की जाएगी। तो और रसूलुल्लाह ने कहा कि इसके बदले मुझे कोई सुर्ख ऊंट भी दे तो मैं उसको कबूल नहीं करूंगा, यानी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी पसंद थी। तो यहाँ भी कि मजलूम की मदद की जाएगी, चाहे वो इनमें से हो या ना हो। और फिर जो इनके बाहमी ताल्लुकात है, वो खैर ख्वाही और खैर अंदेशी वगैरह पे मबनी होंगे, गुनाह के मामले में नहीं। और अब दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि दोनों के लिए बड़े अहम थे, यहूद और मोमिनीन दोनों के लिए, कि एक तो ये सब आपस में अमनो इतिहाद वगैरह को कायम रखेंगे, दूसरा ये कि कुरैश मक्का को पनाह दी जाएगी, ये भी बात दोनों के लिए थी। तीसरी और सबसे लास्ट और अहम बात जो थी कि अगर कोई भी इख्तलाफ होता है, तो जो कतई हुक्म होगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, और ये कि जो क्यादत है उसको, रसूलुल्लाह की क्यादत को यहूदी भी तस्लीम करेंगे। और मुसलमान तो ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन उनके भी आर्टिकल में ये बात कही, बल्कि मुसलमानों को अलग से कहा गया कि वो भी रसूलुल्लाह की क्यादत को तस्लीम करेंगे और यहूद भी रसूलुल्लाह की क्यादत को तस्लीम करेंगे। और यही मैंने आपको पहले बताया कि क्यादत को तस्लीम करने का ये एक बेहतरीन जगह भी थी और बेहतरीन वक्त भी था।
अच्छा, अब इसके असरात को देख लेते हैं कि इसके असरात क्या हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत थी पहले तो सिर्फ एक दाई की हैसियत थी, लेकिन फिर अब उससे बुलंद होकर सरबराहे मुमलकत की जो है उनको तस्लीम कर लिया गया। उसके बाद जितने भी इख्तियारात थे जाहिर सी बात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिए गए, और इस्लाम को जबकि मुख्तलिफ तबकात मुख्तलिफ कुवतें मौजूद थी उसके बावजूद सियासी जो कुवत है वो तस्लीम किया गया। ये सारे के सारे ये मिसाक मदीना के असरात थे। उसके अलावा जो सियासी रसम की सियासी हैसियत का एतराफ़ भी किया गया और गिरदो नवा पर भी ये बड़ा असर अंदाज हुआ और लोग ग्रो दर ग्रो इस्लाम में दाखिल होने लगे या फिर इसमें दिलचस्पी लेने लगे। और इसके बारे में यानी मदीना और मक्का से निकल के तमाम इर्द गिर्द जो भी कुवतें थी उनमें ये बात फैल गई कि ये रियासत कायम हो चुकी है उनके सरबराह और ये सारी बातें। फिर ये कि जो इस्लाम था ये इसकी जो हैसियत है मजहबी और दावती तहरीक नहीं रही बल्कि उसे बुलंद होते हुए सियासी सतह पर पहुंच गई और मुसलमानों की जो फोकियत थी वो तमाम लोगों पे बैठ गई, उसकी धाक बैठ गई। और ये भी कि जो मुसलमानों के खिलाफ जो गलत फहमियां थी ना वो भी खत्म हुई और मुसलमानों का जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि अब मुसलमानों ने वादा हो चुका था, जो भी गैर मुस्लिम थे वो भी साथ मिलजुल कर रह रहे थे और जो गैर मुस्लिम है वो इनकी मुसलमानों की अच्छाइयों को देख रहे थे। और ये बात तो हमारे सामने है कि बहुत सारे लोग जो है शख्सियात से इम्प्रेस होके, तो जैसे सहाबा की हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत हो गई उन उनकी शख्सियात से इम्प्रेस होके तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब मिसाक मदीना की हम देखें खसूसियात आईनी खसूसियात तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं इसमें। अभी तो मैंने कुछ पॉइंट्स वो डिस्कस किए हैं, आप चाहें तो बहुत डिटेल में इसका मुताला कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स मैं बता देती हूँ जो कि हमारे सामने आते हैं। अल्लाह ताला की हाकमियत इसमें नजर आती है, रसूलुल्लाह की हाकमियत, और ये तहरीरी दस्तूर भी था, उम्मत मुसलमा का तस्वुर भी था, कानून की हुक्मरानी भी, निजाम की बालादस्ती भी, और फिर मुकामी रस्म कवानीन का एहतराम भी, मजहबी आजादी वगैरह भी, मदीना को दारुलमन भी करार दिया गया। ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो आज हमारे आइन में भी शामिल हैं और ये हमें मिसाक मदीना में भी नजर आते हैं। अब लास्ट पॉइंट ये, अब माशरे पे मानवियात का असर, ये एक नया टॉपिक था, मानवियात यानी छुपी हुई चीज को कहते हैं। अभी तक तो हमने देखा मुआदात वगैरह ये एक जाहरी चीजें थी और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मुआदात वगैरह की वजह से ना जो सोसाइटी है वो मुतहद हुई है, लेकिन मानवियात यानी छुपी हुई चीज इसका बड़ा असर था। ये है कि ये एक रवैया होता है बेसिकली जो लोगों में उम्मीद जोश और जज्बा वगैरह पैदा करता है, या मानवियात यानी छुपी हुई चीजें। अब ये क्या थी, ये रसूलुल्लाह का किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, लोगों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का असर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम और तरबियत, तज़किया नफ्स करना, इख़लाक़ फ़ासला वगैरह की तरकीब देना, ये जो भाईचारा पैदा किया गया था, ये इबादत और तात की तरफ लोगों को रागिब करना, ये सारी चीजें थी जो मानवियात में शामिल है। यानी ये वो चीजें थी जो कि मुसलमानों की साइकी को जिन्होंने चेंज किया। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से तो हम लोग डिसिप्लिन वगैरह कायम कर सकते हैं, लेकिन जो साइकी चेंज की जाती है वो तलीम और तरबियत वगैरह के जरिए रसूलुल्लाह ने बेहतरीन तरीके से की। इसमें हम कुछ मिसालें देख लेते हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ करते हुए क्या फरमाया था कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। फिर जब एक सहाबी ने पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है, आपने कहा कि तुम खाना खिलाओ और शनासा और गैर शनासा सभी को सलाम करो, और वो भी कि वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से वो महफूज ना हो। इस तरह बहुत सी हमें हदीस और ये सारी बातें नजर आती हैं जो साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें तब्दीलियां ला रहे थे, उनकी साइकी को चेंज कर रहे थे, उनके एटीट्यूड को चेंज कर रहे थे, और इखलाक रजीला से भी मना किया कि हसद ना करो, भाई भाई बनने का दर्स दिया, जुल्म की ममानियत की, और फिर इबादत और फजाइल वगैरह बयान किए, रास्ते छोटी सी चीज के रास्ते से कोई तकलीफदा चीज हटाने के फजाइल, सदका खैरात वगैरह की तरगीब दी, गाली वगैरह देने से, लड़ाई झगड़ों से मना किया, ये सारी की सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। अब इन सारी चीजों से हमें अंदाजा होता है कि एक लीडर की ये निशानी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ कवानीन को कायम नहीं करता बल्कि लोगों के एटीट्यूड पर भी काम करता है। कानून पर काम करना सिर्फ ये एक जिम्मेदारी नहीं होती लीडर की बल्कि चेंज ऑफ बिहेवियर और उनकी साइकी को चेंज करना ये बहुत जरूरी होता है। और उनकी साइकी इस तभी चेंज हो सकती है जब के हम मतलब उनकी साइकी से पहले से आगाह हो। अब अगर हफ्सा की तरफ सल्लल्लाहु जाते तो हफ्सा में इतना आना जाना नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन हम देखते हैं कि मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी आ चुके हैं बचपन में, जब अपनी माँ के साथ जब उनका इंतकाल हो गया था आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का, तभी उन्होंने मदीना का सफर किया था। यानी वो और लोग जाते भी थे वहाँ हज वगैरह के लिए, तो उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाह थे उनके साइकी से। और लास्ट ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून को बदलने पर काम नहीं किया बल्कि उनके दिल जो है उस कानून की तरफ माइल किए, यानी उनको उनका जो साइकी थी ऐसी बनाई कि उनको ये जो मुआहदात वगैरह है इनको तस्लीम करने में कोई भी मसला ना हो। जज़ाकअल्लाह खैर, ओवर टू यू मिर्जा भाई। जज़ाकअल्लाह खैर मैम सारिया, हमारे पास टाइम है टॉपिक कवर करने के लिए, तो
सात बज चुके हैं। जी आप मुझे बताएं, आप कितने मिनट्स में कर सकते हैं? जल्दी करूं तो 5 मिनट में कर सकता हूं, लेकिन शायद उसमें फिर पूरी चीज डिलीवर ना हो। ओके ठीक है, फिर हम इसको अगले सेशन के ऊपर रख लें। सवाल जवाब ले लेते हैं, कुछ हैंड्स रेज हुए हैं। खेल की तरफ से कोई? जी अरफा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये वालेकुम क्वेश्चन है सर। कि भाई आपने मतलब स्क्रीन चेक मुसलमानों कर रहे हैं, को सॉरी। इन्फ्लुएंस कर लिया था। जी आप रिपीट कर देंगे? मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने मुसलमानों को तो मदीना में इन्फ्लुएंस कर दिया था उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन यहूदियों को जिनको पहले से ही खतरा महसूस हो रहा था और मुशरिकीन को, उनको कैसे, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया उनकी लीडरशिप को? अच्छा, आपका कहना है, सवाल ये है कि मुश्रिकीन ने उनकी लीडरशिप को कैसे एक्सेप्ट किया? जी मुशरिकीन और यहूदियों ने। मुश्रिकीन और यहूदियों ने इसका एक्सेप्ट किया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान पावर में थे। मदीना की ज्यादातर आबादी, जैसे कहते हैं ना, मेजोरिटी जो थी वो इस्लाम ला चुकी थी, और महाजरीन के यहाँ पे आने के बाद मुसलमानों की आबादी में ऑलरेडी इजाफा हो गया था। तो अब चूंकि एक डोमिनेंट जो नंबर है वो मुस्लिम्स का था इस पूरी रियासत में, तो आपको पता है कि जिसकी अक्सरियत होती है तो फिर उनकी बात भी वजन रखती है अपना। तो इसी तरह यहाँ पे चूंकि अब आबादी का बैलेंस जो है उसका झुकाव मुसलमानों की तरफ हो गया था, यानी इस आबादी का एक बेशतर हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल था, और यही चीज थी जिसने मुसलमानों को इस पोजीशन उन्होंने में बिल्कुल जो भी है वो रेजिस्टेंस शो नहीं की। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कैसे मतलब आपका मतलब है कि जैसे जंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं? पॉलिटिकली यानी पॉलिटिकली भी और इस तरह से भी। यही है कि जैसे मदीना में हम देखते हैं ना, जैसे जैसे लोगों तक इस्लाम पहुंचता रहा, एक तो मदीना के लोग पहले से जानते थे यहूद की वजह से कि नबी ने आना है, तो इसलिए उन्होंने जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट किया। और फिर चूंकि हर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले मदीना का कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ पे मुसलमान मौजूद ना हो, हर घर के कुछ ना कुछ अफराद या पूरा का पूरा घराना मुसलमान हो चुका था। जब आपकी इतनी मेजोरिटी मुसलमान हो चुकी हो तो थोड़े से लोग किसको रेजिस्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली में उसके माँ बाप बहन भाई सारे मुसलमान है तो वो एक बंदा क्या करेगा? या अगर ज्यादातर लोग हैं तो किससे लड़ेगा, किस किस से लड़ेगा? इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है ना, जब आपका पावर का बैलेंस सारा मुस्लिम्स की साइड पे चला गया। तो ऐसा नहीं है कि दुश्मन नहीं थे, कुछ लोग ऐसे थे जरूर जो कि अभी भी मुसलमानों से हार खाते थे, और वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन चूंकि नंबर में कम थे या मेजोरिटी में वो देख रहे थे कि अभी इतने ज्यादा हैं, तो वो खुल के सामने आकर मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं थे, इसी वजह से वो फिर और तरीकों से अपनी दुश्मनी निकालते थे। वो इंशाल्लाह आगे चलेंगे जैसे जैसे सीरा में, तो हम उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन वाजे तौर पे एक जो बहुत बड़ा फर्क था मक्का और मदीना में वो ये कि यहाँ अब मुसलमान मेजोरिटी में था आ चुके, इतनी बड़ी तादाद में, और यहाँ के ज़ाहिर सरदार वगैरह अपनी जिम्मेदारी पे लेकर आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन सब ने मिलके यही तय किया था कि हमारी इस नई रियासत की जो है सरबरा जो लीडर होंगे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, तो खुद ब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सेंट्रल पोजीशन हासिल हो गई कि जिसकी वजह से वो खुल के सामना करने वाली जो सिचुएशन है वो रही नहीं थी। ठीक, और कोई जज़ाकअल्लाह सवाल? खैर। नहीं जी, जी और कोई सवाल? खेल्स में से और कोई सवाल अगर किसी का है तो वो पूछ सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई जो आपने डिटेल्स पढ़ी हो और वो आप शेयर करना चाहें यहाँ पर। जी मोहम्मद अस्सलाम उमेर, मोहम्मद उमेर अहमद। वालेकुम मैडम, उमेर बात कर रहा वाले हूँ। मसलन।
जी ग्रुप वन सी कम्युनिटी ओके सेंटर ठीक से। ठीक जी मैं भाई अच्छा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, मोस्ट प्रोबली शायद मुझे इल्म नहीं है इस चीज का, और मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मैंने ये पूछा था कि जब हिजरत हुई थी तो उस टाइम कहीं हमें इंफॉर्मेशन ये मिल सकती है कि तब वहां पर टोटल आबादी कितनी थी अंदाजन? मदीना की ढूंढना हाँ मदीना की, तो क्योंकि पड़ेगा। मैं हाँ मैं इसको इस तरह से सोच रहा था कि जैसे अभी हम डिस्कशन आप भी बता रही थी और बात भी हो रही थी कि वहां पर मेजॉरिटी मुस्लिम जो है वो लोग हो गए थे, लेकिन बदर की अगर देख बात देखी जाए तो हम सिर्फ 313 ही थे जो कि लड़ने के लिए मैदान में गए थे, तो स्ट्रेंथ वाइज तो हम इतने ज्यादा नहीं थे। मे बी वी कुड बी मोर इन्फ्लुएंशियल आई थिंक वहां पर ना, मुझे ये यहाँ पर पॉइंट मैं रेज करने की कोशिश कर रहा था कि स्ट्रेंथ अभी एट टाइम्स के हम नंबर्स में अगर ज्यादा नहीं भी हों तो जो इन्फ्लुएंस होता है किसी भी पर्सनालिटी का वो शायद नंबर्स को ओवर यानी उनसे बढ़ के ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, तो मेरा नहीं पॉइंट ऑफ व्यू था एक तो इसलिए ये इसी कि लगता है। हाँ देखें इसमें दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी ना। एक तो ये कि टोटल पॉपुलेशन वाली बात आपने ठीक की, लेकिन वो उसको अभी तक मैं अभी मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, उसको देखना पड़ेगा किसी किताब में से अगर मिल जाते हैं तो देख लेंगे। एक तो लेकिन बाकी जो आबादी का तनासब अगर हम देखें तो वो डिवाइडेड है ना। मतलब अगर हम यूं देखें कि ये मुसलमान हैं और मुशरिक हैं और यहूद हैं तो वो डिवाइड हो गए ना। मतलब जो टोटल आबादी थी उसमें डिवाइड हो गए, इसमें मुशरिकीन भी है और मदीना के यहूद भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो उन तीन ग्रुप्स में से अगर हम मेजोरिटी की बात करें ना तो मुसलमानों का पलड़ा भारी था। लेकिन अब जाहिर है अब मुसलमानों में हर उम्र के लोग थे, खवातीन भी थी। जैसे जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जो 9 उम्र लड़के होते थे, 12-13 साल के लड़के भी जो लड़ने के लिए जोश में आ जाते थे तो आप उनको वापस भेज देते थे कि नहीं अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इस तरह से। तो आबादी में तो आपकी हर एज ग्रुप होता है और खवातीन भी होती है, मर्द भी होते हैं। और दूसरी एक और अहम चीज जो भी हम अगले सेशन में जब गजवा बदर पे आएंगे तो हम देखेंगे कि इनिशियली मुसलमान जंग लड़ने के लिए निकले नहीं थे। उनका इनिशियली जो एक्चुअली था ना वो काफले के लिए निकले थे और बहुत से ऐसे सहाबे कराम थे वो इसीलिए उस मुहिम में साथ नहीं थे। वो तो हालात की वजह से एकदम से चीजों की सिचुएशन बदल गई और अल्लाह ताला ने बेहतर ये समझा कि आज उसको यौमुल फुरकान हो जाए एक दफा आमने सामने। तो वो इंशाल्लाह उसकी तफसील हम अगले सेशन में देखेंगे। तो एक वो भी थी, एक रीजन उसकी वो भी हमें मिलती है। लेकिन फिर भी जाहिर है एक उस आबादी में कितनी ये सारे डेमोग्राफिक्स देखने पड़ेंगे। तो आम सीरा की जो छोटी वाली कुतुब है उनके अंदर तो ये डिटेल्स इतनी नहीं लिखी हुई, लेकिन इसको किसी तफसील वाले में देखना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। आतिका अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्वेश्चन ये है कि क्या सेल्फ एस्टीम अपने फॉलोअर्स की हाई करना लीडर का काम है? सेल्फ एस्टीम लोगों की हाइक करना लीडर का काम है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे लगता है कि पर्सनालिटी को आप अपनी ऐसी अट्रैक्टिव बना सकते हो कि लोग खुद ख्वाहिशमंद हो कि ठीक है ऐसे करते हैं अच्छा, एंड देन दे शुड आस्क फ्रॉम यू कि हाँ आप इस तरह इस जगह कैसे स्टैंड हो। अच्छा पता है क्या, अगर हम एक जिसे कहते हैं ना एक थोड़ा सा शायद मुश्किल लफ्ज आपको लगे, अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली या मोटिवेशन कहाँ से ली, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है एक एक्सट्रिंसिक होती है। तो अगर आप किसी को देख के अपनी सेल्फ एस्टीम या किसी के कहने पे आप कर रहे हो तो वो ऐसा होता नहीं है। वो आपकी अगर आप उसको अपना भी लोगे या अपने ऊपर इम्पोज कर भी लोगे तो वो प्रॉबली इतनी रियल और इतनी ट्रू नहीं होगी। असल आपकी जो सेल्फ एस्टीम होगी आपके अंदर से जो, क्योंकि सेल्फ एस्टीम किसको कहते हैं? सेल्फ एस्टीम को आसान लफ्जों में बताएं जरा मुझे आप। आतिफा सेल्फ एस्टीम को आसान लफ्जों में बताएंगे? आतिफा आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैम एक्चुअली होता है ना कि हम अपने इन्वायरमेंट में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें अपने सराउंडिंग के लोगों की बात जो है वो समझ नहीं आ रही होती, बट आपको बाहर वाला उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होता है कि उसका वे ऑफ थॉट या वो होता है, तो माइट भी उसकी ये उसकी सेल्फ एस्टीम होती होगी ना जो लोगों को टूवर्ड्स देम अट्रैक्ट करती होगी। देखिए, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ना, उसको आसान लफ्जों में भी हम कहें ना, तो वो आपका अपने बारे में क्या क्या ख्याल है, क्या राय है, या आप अपने आप को कितनी इज्जत देते हो, या आप अपने आप को कितना केपेबल इंसान समझते हो, ये आपकी सेल्फ एस्टीम है। तो अगर आपको कोई और शख्स बता रहा है कि देखो तुम्हें तो बहुत काबिलियत है और तुम मेरी बात मानो और तुम वाकई बहुत काबिल इंसान हो और इस पर यकीन करो, तो जाहिर है ये आप कुछ अर्से तक तो किसी की बात का असर हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है हर एक की पर्सनैलिटी पे। तो अगर आपके अपने अंदर से ये ख्वाहिश होगी और आप अपने आपको खुद पहचानोगे और आप इसको खुद समझोगे कि नहीं, आई एम केपेबल, मैं हर चीज कर सकता हूँ या हर चीज कर सकती हूँ और मुझ में किसी से कोई कमी नहीं है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, और आप फिर अपने फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, किसी भी चीज की वजह से अगर आप खुद को कोई खास वैल्यू देते हैं, तो वो अगर वैल्यू आपके अपने अंदर से उठेगी ना, तो वो ज्यादा देर पा होगी और वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो आपके अंदर डीप रूटेड होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों की तरफ देखेंगे कि कोई लीडर आके मुझे बताए और फिर मैं उसकी वजह से हो जाऊं, तो लीडर आपको एक अच्छा विजन दे सकता है, अच्छा बिलीफ दे सकता है, अच्छा अकीदा दे सकता है, लेकिन उस अकीदे को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर बिलीव करना, उसको मानना और उसके मुताबिक जीना, ये तो आपके हाथ में है ना, अल्टीमेटली करना तो आपको होगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप मिसाल लेते हो, उन्होंने यस इंसान को अल्लाह से कनेक्ट कर दिया और ये बता दिया कि इंसान की इस दुनिया में हैसियत हकीकत क्या है, लेकिन अपने अंदर से, जैसे अब हम भी तो मुसलमान हैं और हमारी जो मेजोरिटी है सबको पता ही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए थे, हमें भी पता है कि अल्लाह से कनेक्ट किस तरह से करना है, लेकिन क्यों हमें लोगों की सेल्फ एस्टीम लो नजर आती है? इसलिए कि उन चीजों के ऊपर ईमान उस तरह से मजबूत अपने अंदर से नहीं निकल रहा ना, किसी से सुन लिया और कहा हाँ 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 मान लिया, तो अंदर जब उतरेगा यही ईमान, यही बिलीफ, यही अकीदा, तो जैसे होता है ना, बीज जब जमीन के अंदर जाता है तो फिर ही उसमें से पौधा निकलता है और फिर वो पौधा मजबूत होकर तो उसकी जड़ें भी गहरी होती हैं और उसकी टहनियां भी आसमान में जाती हैं। तो इसी तरह से कोई बिलीफ आपके दिल के अंदर उतरेगा, आपको पूरा उस पे ईमान होगा, बिलीफ होगा, एक मुसलमान को अपने खलीफा होने का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे एक खलीफा के तौर पर दुनिया में भेजा, आई एम रिस्पेक्टेबल, आई एम द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, मैं वो हूँ जिसको फरिश्तों ने सजदा किया था। जब एक मुसलमान इस तरह से सोचेगा ना, अपने अंदर से सोचेगा, ये उस पे यानी दिल से यकीन करेगा, तो फिर उसकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा बेहतर होगी, बनिस्बत ये कि सिर्फ दूसरों से सुन के वो उसको मानने की कोशिश करे। क्या ख्याल है आपका इस ओके बारे में आपका? मैम एक और क्वेश्चन रेज हो रहा है इफ यू डोंट माइंड। जरूर करें, नहीं, पूछें। मैम सहाबा कराम की सेल्फ एस्टीम क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाई की थी या उन्हीं की अपनी सेल्फ पावर थी वो अट्रैक्ट हुए थे टुवर्ड्स प्रॉफिट? अच्छा, सहाबाए किराम की जैसे हमने शुरू में देखा भी था ना, तो सहाबाए किराम की सेल्फ एस्टीम में मसला कभी भी नहीं था, उनकी लो सेल्फ एस्टीम कभी भी नहीं थी। अगर आपको याद हो कि शुरू की चैप्टर्स जब हमने इसी किताब के पढ़े थे, तो एक चीज बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बल्कि तब मैंने मेंशन किया था कि इसको, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कि अरब जो थे वो कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे थे, कभी भी जी किसी जी कौम ने इनके ऊपर हुकूमत नहीं की थी। आपकी लो सेल्फ स्टीम, अगर जैसे हम इंडो पाक में देखते हैं कि हमारे लोगों की लो सेल्फ स्टीम है, तो वो इसलिए कि इन्होंने 100 सालों तक गुलामी की हुई है, अंग्रेजों ने इनको गुलाम बना के रखा हुआ, तो जब कोई आपको गुलाम बनाता है ना, तो वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देता है, वो आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता है कि तुम तो कोई कम पर, वो आपकी जुबान खत्म करता है, वो आपका लिबास खत्म करता है, सब कुछ खत्म करता है, फिर आपको लिबास भी वो अच्छा लगता है जो कि हाकिम कौम का है, आपको जुबान भी वो अच्छी लगती है जो हाकिम बोलते थे, क्योंकि अपनी जुबान आपको गुलामों की जुबान लगती है, अपना लिबास आपको गुलामों का लिबास लगता है, आप चाहे जुबान से नहीं कहें लेकिन आपके अंदर ये होता है कि मैं अगर अपना यहाँ का देसी लिबास पहनूं तो शायद मैं पेंडू लगूं या शायद मैं ये लगूं या मैं वो लगूं, तो आप
बेहतर नजर आने के लिए, खुद को बेहतर साबित करने के लिए वो वाला लिबास पहनते हो कि जो आपके गुला ये आका पहना करते थे, ये चीज होती है फर्क। तो अरबों में ये चीज थी कि उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा कबायली उनके अंदर जो प्रेजुडिस था वो इस हद तक था कि वो अपने मुकाबले में दूसरी कौमों को अजमी कहते थे। वो कहते थे जो जुबान हमारी है उसके आगे अजमी का मतलब है गूंगे। वो कहते हैं दुनिया की सारी कौमें तो गूंगी हैं, इनके पास तो वो वोकैबलरी ही नहीं है जो अरबों के पास है। सो एक ये चीज है कि उनके सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी काफी ठीक ठाक थी, और बाकी सिर्फ ये था कि रास्ता उनको मिल नहीं रहा था। तो वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने उनको वो रास्ता दिखा दिया, गाइडेड गाइडेंस उनको मिलती गई, तो वो खुद ब खुद ये चीजें बेहतर होती गई। ओके वरना आप मैम, देखें ना कि चलिए हजरत बिलाल को देखें ना, एक गुलाम थे, मार खा रहे हैं और कोयलों पे लटाया जा रहा है, और फिर भी अपनी बात से नहीं हट रहे, क्योंकि स्ट्रेंथ उनकी बिलीफ में बहुत स्ट्रेंथ थी। उनको पक्का यकीन था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उनको शक नहीं था कभी भी। तो जितना स्ट्रांग आपका बिलीफ होता है उतने ज्यादा आपके ऊपर असर भी ज्यादा अच्छा पड़ता है। ओके मैम, अभी एक और भी हाथ जज़ाकअल्लाह। खड़ा हो गया, यहाँ अभी एक और भी अरफा का हाथ खड़ा हुआ था मेरा ख्याल है। जी, मेरा एक और सवाल था कि जब आप सल्लम अभी यानी पहली एग्जाम्पल सेट होनी थी मुहाजिरीन और अंसार के ब्रदरहुड की, तो वो पहली एग्जाम्पल थी, पहला मौका था, तो पहली दफा में इतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड उन्होंने कैसे कर दिया? ये बड़ी आपको उसके लिए थोड़ी सी इनकी साइकी देखनी पड़ेगी। देखें मदीना वाले जो थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना लेके आए तो ये डिसीजन उन पे इम्पोज नहीं किया गया था, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज नहीं भेजा था कि हम तुम्हारे शहर में आना चाह रहे हैं तो हमारे लिए बंदोबस्त करो, ऐसा नहीं हुआ था। वो खुद आए थे। अगर बैते अकबा वाली आपने एपिसोड देखी थी हमारी जो सीरा सेशन में थी, तो वो खुद आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हम आपको यहाँ पे अकेला नहीं देख सकते, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, आप पे और हमारे मुसलमान भाइयों पे जो जुल्म हो रहा है वो हमसे देखा नहीं जाता, आप हमारे साथ चलें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। उस वक्त बार बार उनको रियलाइज कराया गया था, हजरत अब्बास ने भी उनको बार बार 2-3 दफा उनसे पूछा, देखो अभी ये अपने कबीले में है तुम ले जा रहे हो, तुम्हें पता है कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वो जो मदीना वाले थे ना, उनको सारे खतरों का पता था कि ये होगा, तो वो उन्होंने कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लिया था, ये उनका बहुत रैशनल डिसीजन था। उनको पता था, उनको ये पता था कि व्हाट्स राइट, उनको ये पता था कि हम अपने मुसलमान भाई बहनों को छोड़ नहीं सकते अकेला, और इसलिए वो ऑलरेडी तैयार थे कि जो कुछ भी करना पड़ा हम कर लेंगे। अच्छा, अब किसी भी मुआशरे के ऊपर अगर जैसे अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में आए अफगान मुहाजरीन आए, एक बहुत बड़ी तादाद आई और उससे हमारी पूरी इकोनॉमी के ऊपर बहुत एक ह्यूज इम्पैक्ट आया था, और बल्कि अभी तक आया हुआ, अभी भी बहुत ज्यादा तादाद है यहाँ पे। तो अब जब उसको कलेक्टिवली देखा जाए तो एक गवर्नमेंट के लिए वो सारे अरेंजमेंट्स करना काफी मुश्किल हो जाता है, जबकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बता रहे थे वो ज्यादा आसान था, बजाय ये कि सबसे कहा जाए कि कोई डोनेशन इकट्ठे करो, एक म्यूचुअल फंड हो और उस फंड में से हम इनके अरेंजमेंट्स करेंगे, इनके लिए कोई बस्ती बसाई जाएगी, तो वो ज्यादा लंबे अरेंजमेंट्स थे। तो ऐसी कोई लंबी चौड़ी अरेंजमेंट की बजाय बहुत आसान और सिंपलिस्टिक तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक एक शख्स एक एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हर घर में एक बंदा एक्स्ट्रा होना तो इतना मसला नहीं होता ना, हमारे घर में कोई एक मेहमान आ जाए तो हमें इतना मसला नहीं होता, क्योंकि जहाँ घर के बाकी लोगों के लिए खाना पक रहा है तो वहाँ एक शख्स और बीच में खा लेगा, तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और एक बंदा थोड़ी सी स्पेस ले लेगा, उसको सोने के लिए जगह चाहिए और दिन में तो वो काम काज पे निकल जाएगा। तो ये तो सिंपलिस्टिक और सबसे आसान तरीका था कि हर फैमिली के ऊपर या हर शख्स के ऊपर सिर्फ एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस इससे ज्यादा की नहीं। दूसरे तरीके ज्यादा मुश्किल होते, तो वो उनको। और दूसरी बात, एक चीज एक और याद रखें, ये तो हम अभी इन चीजों की कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता था वैसा हो सकता था या ऐसा होता या वैसा होता, इस वक्त हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सहाबा कराम की साइकोलॉजी को समझे ना, सहाबा कराम ये चीजें नहीं देखते थे, वो कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो बस ठीक है कबूल है, वो उसके आगे दूसरा लफ्ज वो कुछ जमा तफरीक करते भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे।
एक सहाबी है, उनका बाग था। आपको पता है लैंड की क्या प्राइस होती है? आप में से अगर कोई यहाँ पे होंगे जिनकी जमीनें होंगी या प्लॉट्स होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि किसी भी लैंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसकी वैल्यू कितनी होती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड है या कोई घर है या वैसे प्लॉट लेके रखा हो, तो आपको पता है कितनी महंगी चीजें होती हैं। तो एक सहाबी थे, उनकी उनको अपनी प्रॉपर्टी में से एक बाग बहुत ही पसंद था, बहुत पसंद था, उनका फेवरेट बाग था। तो जब वो एक आयत जब नाजिल हुई अल्लाह ताला ने कहा कि नेकी की जो टॉप पे तुम लोग तक पहुंचोगे जब अपनी फेवरेट चीज अल्लाह के रास्ते में, तो वो उन्होंने जाके कहा कि मुझे यही वाला बाग, क्योंकि ये बाग मेरा फेवरेट है। और उसके बाद आए और बाग के बाहर खड़े होके, उनके घर भी बाग के अंदर था, अपनी वाइफ को बाहर से आवाज दी, ये नहीं कहा कि मैं अंदर जाऊं चीजें समेटूं और निकलूं यहाँ से, नहीं, बाहर से आवाज दी कि आ जाओ बाहर, मैं ये बाग मैं डोनेट कर रहा हूँ, अल्लाह के राह में डोनेट कर दिया। और उनकी वाइफ ने आगे कहा बहुत अच्छा सौदा किया। तो उनकी साइकोलॉजी ऐसी थी, उनके अंदर लालच और ये चीजें नहीं थी। और दूसरा ये कि जो उनका बिलीफ था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो बहुत स्ट्रांग था, उनको पक्का यकीन था, जरा सा भी ये कोई खुदा ना खास्ता शक भी नहीं था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने या ना माने। ना मानने की तो ऑप्शन उन्होंने अपने अंदर रखी ही भी नहीं थी। अगर हम जब सुलह हुदैबिया देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि काफिरों ने कहा था कि ये तो कौम देखो, ये तो ऐसे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहीं थूक भी फेंक दें तो सहाबा किराम में से कोई ना कोई हाथ आगे कर देता है कि उनका थूक भी जमीन पे ना गिरे। इनको तो इश्क है ऐसा अपने नबी से, तो ये तो किसी की और बात नहीं सुनेंगे, जो इनका नबी कहेगा उससे हटके कुछ नहीं कर सकते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कटवाते थे तो उनके वो बाल तक वो संभाल लेते थे, वो कहीं वो भी नहीं गिरने देते थे, इतना उनको इश्क था। इसीलिए आज आपको पता है ना, दुनिया में बहुत जगहों पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक बाल भी किसी के पास होता है तो वो संभाल के रखते हैं, वो कहाँ से आए? वो इसी तरह के सहाबा किराम उनकी कोई चीज भी नहीं जाया होने देते थे, इतना उनको पक्का और सच्चा इश्क था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जिससे आपको प्यार होता है, फिर आप उसकी बात को टर्न डाउन नहीं करते कभी भी, आप उसको कभी नहीं, नो नहीं कह सकते, कहते नहीं हो, आपका दिल नहीं चाहता, बल्कि आपको खुशी होती है कि शुक्र है इसने मुझसे कुछ कहा है, मैं खुशी खुशी में सबसे पहले मैं करूँ। तो हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता था कि पहले मैं करूँ, पहले मैं करूँ, ये वजह थी। हनान भाई जी मैम, हैंड रेज, आपका ओ हैंड सॉरी रेज। सॉरी, वो गलती से हो गया था बस। चलिए जी, अगर और कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। किसी का हैंड रेज्ड है जी, अरफा। मैम मेरा ये सवाल है कि अब तब तो आप मतलब सहाबा के पास इतने ज्यादा एविडेंसेस भी नहीं थे कि कुरान सच्चा है जितने हमारे पास हैं, तो फिर भी हमारा ईमान उस लेवल का क्यों नहीं होता? उनके पास तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सबसे बड़ा एविडेंस, उनको तो पक्का यकीन था। हमें अपने देखिए, जो ईमान होता है ना, वो एविडेंस नहीं मांगता। ईमान ईमान बिल गैब क्या होता है? बिन देखे मानना। आपने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया आपने सुना ही होगा, सीरा में भी हमने जिक्र किया था, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पता चला था, आपस में इंटरेक्शन नहीं हुई, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे लेकिन अभी मुलाकात नहीं हुई थी। वो कहीं से आ रहे थे, रास्ते में किसी काफिर ने कहा कि लो जी अब देखो तुम्हारे साथी ने अब तो ये भी कह दिया कि मैं रातों रात आसमान से होके आ गया, अब बोलो अब क्या कहोगे तुम उसके बारे में? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं तस्दीक करता हूँ, अगर उन्होंने कहा तो झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो दिन रात उनके पास मतलब हम तो वाकिफ है, वही आती है, फरिश्ते आते हैं उनके पास, तो अगर वो चले गए तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। इस वाक्य के बाद उनको सिद्दीक का लकब मिला था, तस्दीक करने वाला और सच्चा समझने वाला, सबसे सच्चा दोस्त। तो उनको तो बिल्कुल जो ईमान और जो मोहब्बत होती है ना, ये ऐसी होती है कि इसमें आपको फिर आपके दिल से गवाही आती है, और फिर आप एविडेंसेस नहीं देखते। तो एविडेंस कोई अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको मजीद खुशी जरूर देता है कि देखा मुझे तो पहले इस बात का यकीन था, तो खुशी हो जाती है। लेकिन जहाँ ईमान हो, जहाँ मोहब्बत हो, वहां पे फिर आपका दिल खुद दवाई देता है कि ये बात सही है, ये चीज बेस्ट है। लेकिन हमें भी हमारा चाहिए यही कि जी, तो नहीं, आप बोल दें। मैं कहने लगी थी कि हम
वो उसको अगर हमने अचीव करना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट करें। सहाबा किराम के सामने तो फिजिकली मौजूद थे, हमारे सामने किताबों में सीरा की सूरत में मौजूद है, उनका तذکرہ मौजूद है। तो हम जितना उनसे कनेक्ट करेंगे उतना हमारा ईमान स्ट्रांग होगा। सही जी, आप क्या पूछ रहे थे? थैंक वेलकम। यू। मैं ये पूछ रही थी कि हमारे जहन में तो बहुत ज्यादा ख्याल आता है, मतलब इंसान तो अपने इंटेलेक्ट की वजह से ही इंसान होता है, तो वो एविडेंस मांगता है, तो वो ये सवाल था। अच्छा, यहाँ पे ना एक एक बैलेंस हमें रखना है अपनी जिंदगी में हमेशा। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हमें एविडेंस जरूर चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हमें एविडेंस मिलेगा भी नहीं और जहां पे एविडेंस मांगना भी नहीं है। ठीक है, अब एविडेंस कहाँ पे नहीं मांगना, वो कौन सी जगह है? वो जगह है जिसको हम ईमान बिल गायब कहते हैं। ठीक है, ईमान बिल गायब मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जन्नत है और दोजख है और फरिश्ते हैं, तो अब उसको हम अपनी किसी भी साइंस के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके एविडेंस की उसमें नहीं पड़ना, उसमें हमने एज इट इज उसको मानना है। तो जो ईमान वाला पार्ट है ना, वो आपका मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो ईमान बिल गायब हम जिसको कहते हैं, कि जिसको हम बिन देखे मानते हैं, हमने नहीं देखा। हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हजरत मूसा भी कोई नबी थे, हम तो उनको नहीं देख सकते ना, हमने तो नहीं हिस्ट्री में जाके देखा, लेकिन हम उनको मानते हैं। तो इसी तरह बहुत सी चीजें हमें अपने नबी पे यकीन करते हुए उनको सच माननी होती है। हाँ, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हमें डेफिनेटली एविडेंस मांगने हैं। वो बातें कहाँ से हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई कहता है कि ये बात आपके नबी ने कही, तो हमें पता होना चाहिए कि वाकई हमारे नबी ने वो बात कही भी थी कि नहीं कही थी। वहां पे हम एविडेंस जरूर देखते हैं कि उनके नाम से कोई झूठ बोल के हम बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। इसी तरह आपको कुरान की आयात में, आप जैसे आपको मिल जाती हैं चीजें, अल्लाह ताला कायनात के बारे में बात करता है, और आप साइंस की उन चीजों को क्वेश्चन कर रहे हो या आयात के ऊपर सवाल जवाब कर रहे हो और उनके उनकी इन डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट्स फाइन, वो सारी चीजें ठीक है। जहां पे हमने नहीं एविडेंस में की परवाह करनी, वो सिर्फ ईमान बिल गायब वाला हिस्सा, उसके ऊपर हमने नहीं करना। बाकी चीजों पे हम सवाल भी कर सकते हैं, तहकीक भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, एविडेंसेस भी इकट्ठे कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। सही, मैम, जजाकल्लाह इसी में मैं खैर। ऐड करूं थोड़ा सा, ये जरूर कि कुछ तो आयात है ना जो यूनिवर्स की हैं, जो जैसे मैथ से कुरान की, लेकिन कुछ ये है कि जो मतलब कुरान का जो एक प्रेमिस है कि जो एक कल्बे सलीम है ना, वो उसके हमारे अपने इनेट के अंदर अल्लाह की पहचान एक है। तो जो सहाबा कराम थे, उनका तज़किया नफ्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया था, तो वो इस लेवल की पाकी तक पहुंच गए थे कि उसके ऊपर कोई गंद वगैरह बचा ही नहीं था। जब इंसान इतना पाक हो जाए, प्योर हो जाए, तो वो अंदर ही से भी उसका कल्ब फौरन अल्लाह की या कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करता है। ये भी एक पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही कहा। यहाँ पे भी कोई और भी कुछ ऐड करना चाहे तो जरूर, मिर्जा भाई या उमेर भाई या कोई भी और है। किसी का कोई पॉइंट हो बुरहान भाई, कोई बोलना चाहे तो जरूर ऐड करें। ओके जी, मीन्स अभी हमारे पास और कोई मजीद सवाल आ नहीं रहे, तो हम आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतुबु इलैक। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।